फनी कैरेक्टर इन द प्रपोजल रिटर्न बाय एंटन चकोव ही इज अ वेल्थी लैंड ओनर एंड नेबर ऑफ चुपको तो जो लोमोव है ये एक बहुत ही हास्य पात्र है प्रपोजल जो कि एक ड्रामा है उसका और ये प्रपोजल लिखा गया है एंटन चकोव के द्वारा लोमोव एक बहुत ही धनी लैंड ओनर है जमींदार है और इसके साथ साथ वो चुपको का नेबर भी हैं उसका पड़ोसी भी हैं अब जो लोमो है पहली बात इसके बारे में लिखते हैं लोमो इज़ अनमैरिड लोमो की शादी अभी तक नहीं हुई है ही इज़ थर्टी फाइव ईयर ओल्ड इट इज़ क्रिटिकल एज टू गेट मैरिड ही गोज़ टू प्रपोज नतालिया फॉर मैरिज लोमो की शादी नहीं हुई है वो पैंतीस साल का हो चुका है और ये एक बहुत चिंताजनक उम्र होती है कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुई इसीलिए वो नतालिया से शादी का रिश्ता लेके जाता है सेकेंड पॉइंट लोमोज रीजन्स फॉर मैरिंग नतालिया लोमोव नतालिया से क्यों शादी करना चाहता है He wants to marry natalia as she is an excellent housekeeper H O U S E keeper K e e P e R not bad looking and well educated. He wants to live quiet and regular life. यहाँ पे बहुत बड़ी बात यह है कि लोमो जो शादी करना चाहता है नतालिया से तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको सच्चे प्यार की तलाश है और उसको प्यार नतालिया में दिख रहा है या उसको नतालिया में एक आदर्श जीवन साथी नज़र आ रहा है ऐसा नहीं है लोमो अपने फ़ायदे के लिए ही नतालिया से शादी कर रहा है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो नतालिया है वो बहुत अच्छी गृहिणी है घर को बहुत अच्छे ढंग से संभालती हैं दिखने में बहुत ज़्यादा बैड नहीं है भद्दी नहीं है एजुकेटेड भी हैं और इसके साथ साथ लोमो एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है अपने जीवन को एक नियमित ढंग से जीना चाहता है तो अपने स्वार्थ के लिए वो नतालिया से शादी कर रहा है उसको यहाँ पे वो सभी बातें मिल रही हैं जो वो चाहता है तीसरा जो क्वालिटी हम लोमो के बारे में लिखेंगे उसका पिकुलियर नेचर ऑफ लोमो पिकुलियर होता है विचित्र ही सफ़र्स फ्रॉम पालपीटेशंस he remains excited and upset his sleeping method is very strange he walks like lunatic lunatic hota hai mad person Many times in between his sleep, अभी लोमो का जो व्यवहार है बहुत विचित्र है सबसे पहली बात कि उसको कम कम्पी होती हैं जब वो excited होता है nervous होता है जब उसके अंदर उत्तेजना होती है तो उस समय उसके बदन में कम कम हो जाती है तो एक प्रकार से पैल्पिटेशन से वो सफ़र कर रहा है उसके अलावा जब कभी भी वो नर्वस होता है एक्साइटेड होता है तो वो भी एक विचित्र बात है उसके साथ उसके अलावा जो उसके सोने का मेथड है वो भी बहुत ज़्यादा अनोखा है रात को जब वो सोता है तो सोने के टाइम लगभग बीस बार वो अपने नींद से उठता है और एक पागल व्यक्ति की तरह चलता है फिर दोबारा सो जाता है इस प्रकार वो बीस बार वो करता है तो ये उसका एक विचित्र स्वभाव है जिसकी वजह से वो परेशान है वो जल्दी से शादी करना चाहता है फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं लोमो के बारे में वो बहुत क्वारलसम है और एग्रेसिव है क्वारलसम मतलब यू नो झगड़ालू एंड एग्रेसिव होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा जिसके अंदर होता है करने, लेकिन वहां जाके वो ऑक्सन मिडोज होते हैं मैदान जो होते हैं उनके बारे में बहस करने लगता है उनके बारे में उनका झगड़ा शुरू हो जाता है ही बिकम्स वेरी एंग्री एन जी आर वाई एंड कम्स बैक टू his होम इन आ फिट ऑफ रेज अब वहाँ पे जब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है ऑक्सन मीडोज के ऊपर तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उसको एंग्री हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है इन अ फिट ऑफ रेज मतलब गुस्से में आकर बहुत ज्यादा गुस्सा उसको होता है वो अपने घर वापस आ जाता है रेज का मतलब होता है गुस्सा नेक्स्ट पॉइंट हम जो लोमो के बारे में लिखेंगे लोमो इज एक्सेंट्रिक एंड इमोशनली वीक लोमो जो है वो सन की व्यक्ति है और वो भावना त्मक तौर पर बहुत कमजोर है लोमो गेट्स सेकेंड चांस टू प्रपोज नतालिया, बट अगेन ही टॉक्स रॉट एंड आर्ग्यू ओवर डॉग गेस अब जो लोमो है दोबारा उसके घर में नतालिया के फादर चुप को दोबारा लोमो को अपने घर में लेके आते हैं कि वो लाइक like, लोमो uh, उसे प्रपोज करे शादी के लिए ले, लेकिन दोबारा जब वो उसके घर में आता है तो वो अपने पैट डॉग्स के ऊपर लोग झगड़ा करने लगते हैं तो लोमो लोमो वहाँ पर आके अपने पैड डॉग गैस के ऊपर उन लोगों का झगड़ा शुरू हो जाता है लोमो कहता है मेरा पैड डॉग गैस अच्छा है और वहाँ पे नाल कहती है कि उसका जो पैड डॉग है वो बहुत अच्छा है और इस प्रकार उनका यहाँ पर भी जो उनका झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और ये भी काबू से बाहर हो जाता है और लोमो जो है वो इस झगड़े को सहन नहीं कर पाता और दोबारा से वो वहाँ पर फेंट हो जाता है बेहोश हो जाता है सिक्स पॉइंट हम लिखते हैं लोमोज हार्ट डिज़ायर गॉट फुलफिल्ड लोमो की जो दिल की इच्छा थी ना से शादी करने की वो कंप्लीट हो जाती है वो इच्छा उसकी पूर्ति हो जाती है एट लास्ट विदाउट प्रपोजिंग नतालिया ही मैरिड हर अब एंड में जो लोमो है वो उसको प्रपोज भी नहीं करता लेकिन एंड में उन लोगों की शादी हो जाती है हिज डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड और इस प्रकार लोमो की जो इच्छा थी नाला से शादी करने की वो भी पूरी हो जाती है हैंस लोमो इज़ अ कैरेक्टर हु बिहेव स्ट्रेंजली एंड गेट्स मैरिड टू नतालिया इन रियल लाइफ नो वन बिहेव्स लाइक लोमो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोमो जो है वो बहुत ही हास्यप्रद पात्र है इस कहानी में और वो बहुत विचित्र तरीके से व्यवहार करता है फिर भी उसकी शादी नतालिया से होती है लेकिन हकीकत में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का स्वभाव नहीं करता आई होप आप